Hello students, I am the teacher to this question. Let me explain this question to you now. The question says, mark the statement true or false. Carbonic acid is a weak acid. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये स्टेटमेंट हमें दिया है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. और स्टेटमेंट हमारे पास है कि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है. तो देखिए, अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें, सो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट H2CO3, राइट. अब देखिए, जिसके अंदर भी H प्रेजेंट होता है हमें पता है कि वो एसिड तो होता है. और एसिड क्या होता है, जिसको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन हमें देता है. अब अगर एसिड सारे के सारे टूटकर हाइड्रोजन आयन दे देता है तो उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एच एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये पानी में डिसॉल्व होकर सारा का सारा एच पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव में टूट जाएगा. बट सारे के सारे एसिड्स पूरा डिसोसिएट नहीं होते, हमारे पास कुछ वीक एसिड्स भी होते हैं. वीक एसिड्स, लेट्स से अगर मैं कहूं कि HX एक वीक एसिड है, इसका मतलब है कि जब हम HX को पानी के अंदर डालते हैं तो वो पार्शली टूटता है. मतलब उस हमें पानी के अंदर H पॉजिटिव और X नेगेटिव देख भी दिखते हैं और कुछ अनडिसोसिएटेड HX भी दिखता है, राइट. अब यहां पे कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है, तो जब हम कार्बोनिक एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिलता है कि ये डिसोसिएट होता भी है, राइट. मतलब ये अपने आयंस में डिसोसिएट भी होता है लेकिन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी हमें दिखते हैं. सो दैट मींस कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है. सो दैट मींस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स राइट द फाइनल आंसर. सो दैट मींस द फाइनल आंसर इज दैट द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ट्रू. दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.